सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडर रोड, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 बसंत भाग 1 के पाठ 1 वह चिड़िया की। पाठ से पहले मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम सबके मन में कभी ना कभी ये बात आती है कि अगर हम लोग चिड़िया होते, हम लोग पक्षी होते, आसमान में कितना ऊपर तक होते, खूब मजे करते, जहाँ मन पड़ता वहाँ जाते, किसी पेड़ के ऊंची लगा पर बैठते, खूब झूला झूलते, खूब मस्ती करते, आसमान में खूब ऊंचाई तक होते, ठीक है, जहाँ मन पड़ता वहाँ जाते, पानी की सतह के बिल्कुल करीब होते, तालाब रहता है, नदी रहती है, उसके बिल्कुल, मतलब ऐसे तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन अगर पक्षी होते तो हम लोग वहाँ पर जाते, जहाँ कोई नहीं जा सकता, पानी की सतह के बिल्कुल थोड़ा ऊपर हो जाए, कितना मजा, कितनी आजादी है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, है? कहते हैं पक्षियों के लिए तो कोई बॉर्डर भी नहीं होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर या कोई भी देश का बॉर्डर या जैसे आप स्टेट का बॉर्डर होते हैं, जैसे भी अभी कहीं आओ जाओ तो आपको पता है वो दिखाना पड़ता है कि कोरोना लगा हुआ है तो है कोई पास दिखाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग करती है कि कोई संक्रमण तो नहीं आ गया, लेकिन पक्षी होते तो उनको कोई चेक नहीं करेगा, वो तो उड़ते। तो ऐसी ये कविता है बच्चों, और इस कविता को लिखा है केदारनाथ गुरु ने। ये जो कविता है इसके जो कवि है वो केदारनाथ भगवान जी हैं, एक्चुअली आप देख रहे हैं यहाँ पर बनी हुई। तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने कविता लिखी है, असल में केदारनाथ अग्रवाल जी जो है ये बहुत ही बड़े कवि हैं, और इनका जन्म 1911 में बांदा के कमासिन गांव में हुआ। कमासिन एक जगह है बांदा, बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग चित्रकूट का नाम सुना होगा, आप लोगों ने चित्रकूट के पास में जो तुलसीदास जी हैं, ठीक है, तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी है उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ी हुई है वो जगह, ठीक है, चित्रकूट, तो चित्रकूट के पास में ही पड़ता है पाना, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता को लिखा है, और मतलब मैं उनके बारे में बता रहा था आपको कि जो केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो आज़ादी के पहले ही कवि, और उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। तो उनके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं ये जनता की कवि है, समझिए, मतलब लोगों के दुख दर्द से जुड़े हुए कवि हैं। इनकी कविता में ये अपनी बात तो करते हैं, साथ में जो लोग हैं जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, ठीक है, और जो प्राकृतिक मनोरम दृश्य हैं उन सब की, मतलब लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं, हर व्यक्ति की जो भी दुख के दर्द है उन सब की संवेदनाओं को समझते, के दर्द को समझते हैं, ऐसे कवि हैं। और ये कविता उन्होंने लिखी है, इस कविता के माध्यम से वो अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, और असल में वो अपने क्या हर मनुष्य के स्वभाव के बारे में, कि हर मनुष्य के स्वभाव में कोई ना कोई, हर मनुष्य के स्वभाव में चिड़िया रहती है, हमारे स्वभाव में देख चुकी है, मतलब हम हमारे अंदर एक पक्षी है जो हमेशा जब भी हम पक्षी उड़ते हैं देखते लगता है यार पास सभी पक्षी होते उड़ जाते कितना अच्छा रहता। तो ऐसे ही अपने स्वभाव के बारे में कविता के माध्यम से बता रहे हैं, और शायद अपने मन की इच्छा को भी बता रहे हैं कि मैं चिड़िया होता तो मैं क्या क्या करता, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कविता के बारे में, पहले हम एक बार कविता को पढ़ते हैं पूरा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये इसका पहला पहला, इसका हमारा करे करे दूसरा करे देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खाती, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं मुझे विजन से बहुत प्यार। एक तीसरा पैरा देखते हैं,
वह चिड़िया जो चोंच मारकर वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये कविता भी कविता में तीन पैरा है, ठीक है। आइए हम पहले पहले काट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के जाती, यहाँ पर एक शब्द आया है चुंडी, झुंडी का मतलब होता है जो आ रहा है। वैसे अभी जैसे हम लोग आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चावल दाल ये सब भी अनाज है, ठीक है, गेहूँ हो गया। उस जमाने में क्या होता था, पुराने समय में मोटा अनाज होता, जैसे कि ज्वार बाजरा, जानते होंगे ज्वार बाजरा, कोदो सवैया, ठीक है ना, कोदो सावा बोलते हैं, सावा, ठीक है। तो ऐसे ही जो मोटा अनाज है वो जुंडी, ये जुंडी जो शब्द है ये मुझे थोड़ा सा मक्के के अधिक करीब लगता है, ठीक है, क्योंकि मक्के को देसी भाषा में जुड़नी भी बोलते हैं, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये जरूर ज्वार बाजरे में से कुछ एक होगा, ठीक है। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा ले, वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी का मतलब क्या है, संतोषी का मतलब होता है जो थोड़े में ही सुखी रहे, संतोषी का मतलब ये होता है जितना मिल जाए उतने में ही सुखी रहना, ये संतोषी का मतलब है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं संतुष्ट, बोलते सेटिस्फाइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, संतुष्ट बोलेंगे, या हम इसको कह सकते हैं थोड़े में ही सुख रहे। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, कैसी हूँ मैं, नीले पंखों वाली, ठीक है, कभी कुछ सुनता कोई बता रहा है चिड़िया कैसी, चिड़िया कैसी है, उसके नीले पंख, मुझे अन्न से बहुत प्यार, अन्न का मतलब है अनाज। ये शब्द संतोषी बड़ा अच्छा शब्द है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे केदारनाथ जी ने इस कविता को लिखा तो कितना सोच के लिखा होगा, है उन्हें मालूम होगा पुराने जमाने में क्या होता, बच्चों लोगों को खाने को नहीं मिलता, ठीक है, अकाल पड़ जाते थे, इतनी खेती नहीं होती थी, उस समय हरित क्रांति तो आई नहीं, ठीक है, हरित क्रांति आने के बाद हमारे देश में इतना सारा अनाज होने लगा, ठीक है, आज हर आदमी के पास अनाज है, हर आदमी खेती किसानी कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों को अनाज भी ढंग से नहीं मिलता खाने, तो ये शब्द जो है मुझे बड़ा मतलब प्रासंगिक लगता है, एक तरह से लगता है कभी कभी कि सवाल भी खड़ा करता है। हम लोग देखिए जैसे कभी शादी बारात या ब्याह वगैरह में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, या कभी हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते हो कुछ लोग बहुत सारा खाना मंगा लेते हैं, बहुत सारा फेंक देते हैं, वो किसी काम का नहीं होता, शादी ब्याह में अक्सर बहुत सारा अनाज बन जाता है, पिकनिक पार्टी में बहुत सारा अनाज बन जाता है, लोग इतना मन पड़ा खाते बाकी सब फेंक देते, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सकता है, अगर हम उस अनाज को नहीं खरीदते या उसको नहीं पकाते या उसको नहीं फेंकते, किसी दूसरे काम आ सकता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं तो हमें इस काम से बचना भी है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीख है जिसको हमको इस कविता सीखने को मिलती है कि हमें कैसे प्रवृत्ति का होना चाहिए, संतोषी केवल अनाज की बात नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमें ऐसा होती है संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए और बिल्कुल हमें अनाज फेंकने से बचना चाहिए। तो चिड़िया कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और मैं कैसी चिड़िया हूँ जो बड़े प्यार से चोंच मार, चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से, बड़े ही रुचि से, रुचि का मतलब होता है इच्छा, रुचि का मतलब क्या होता है, रस का मतलब क्या होता है, आनंद, रस का मतलब है यहां पर मजे से, चिड़िया जब कैसी चिड़िया हूं मैं संतोषी चिड़िया हूं,
जो दूध भरे चुंडी के दूध जो अनाज रख दिया जाता है दूध में उसको मैं बड़े क्या रुचि से बड़ी इच्छा से और बड़े ही आनंद लेकर खाता हूँ। ठीक है ना, मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मैं कैसी चिड़िया हूँ कि मुझे अनाज से बहुत प्रेम है। ठीक है, दूसरे पैरा में हम देखते हैं बच्चों, दूसरा पैरा क्या कहता है, वह चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खाती, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार। ये दूसरा पैर है। अब इसमें कभी क्या कहना चाहते हैं चिड़िया के माध्यम से, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो चिड़िया है या चिड़िया के माध्यम से अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसी चिड़िया, कैसा स्वभाव है, क्या बताना चाह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ का मतलब क्या है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बर बाबा की खाती रस उड़ेल कर गा लेती। एक शब्द और है, ये बूढ़े बर बाबा, ये मैं बताऊंगा आपको, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बर बाबा, ये बाबा शब्द है, बाबा का मतलब होता है दादा। बाबा को कई जगह पर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इसको कई लोग आजा भी बोलते हैं। अब इस शब्द का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, आजा और आजी शब्द, ठीक है, दादा दादी के लिए आजा और आजी शब्द का भी इस्तेमाल होता था पहले। ठीक है, कई लोग अपने पिता को भी बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो बूढ़े बन बाबा की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो कवि है वो वन को, मतलब जो जंगल है, ठीक है ना, उसको मानवीय संवेदनाओं से जोड़ रहा है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मानवीकरण। मतलब वन को उन्होंने क्या बना दिया, बाबा बना दिया, पिता बना दिया या दादा बना दिया। ठीक है, बस समझ आ गया। तो वह चिड़िया जो बूढ़े बन बाबा की खातिर कंठ खोल, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती, रस उड़ेल, एक शब्द और है पिता, इसको भी समझिएगा, बाबा का मतलब पिता भी होता है। कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पिता को बाबा ही बोलते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था पहले कि जो हिंदी है, हिंदी में क्या शब्दों की भरमार है, बहुत सारे शब्द हिंदी में, तत्सम, तत्भव, देश, विदेशी, तो ये जो है देश शब्द है बाबा। ठीक है, लोग पिता को बाबा को बोलते हैं, बाबा दादा को भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो रस का मतलब मैंने आपको पहले बताया, रस क्या, आनंद, रस उड़ेल कर गाले, उड़ेलना का मतलब क्या होता है, जितना मन पड़े उतना, दिल खोल कर, ठीक है ना, दिल खोल कर वो चहचहाती है चिड़िया। ठीक है, किसकी खातिर, बूढ़े वन बाबा की। कभी आप देखते होंगे जब हम लोग कहीं एकांत में या जंगल में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई पक्षी वहाँ पर चहचहाता है तो बहुत देर तक चहचहाता है। ऐसे हमारे घर में पिंजड़े के अंदर बंद रहेगा तो नहीं चहचहाएगा, या हमें देख लेगा तो शांत रहेगा, लेकिन जब वो जंगल की तरफ जाएगा, जब हम जंगल की तरफ जाते हैं, देखते हैं जंगल में जो परिंदे होते हैं, जो पक्षी होते हैं, बहुत तेज चहचहाते हैं। जैसे आप देखें इस समय हमें कोयल की कूक सुनाई देती है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। ठीक है, कोयल इस मौसम में हमें दिख जाती है, तो कितनी मीठी सुरीली आवाज में वो कूक कूक करती है, कितना सुंदर लगता है, लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा हो, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही कभी तोतों को आप देखें, जो तोते होते हैं पैरट, ठीक है, वो जब टीं-टीं करते हैं कितना सुंदर लगता है, लगेगा आप उसे बात कर रहे हैं, हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कभी इस बात पर आप विचार करें, तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं वो छोटी मुंह बोली चिड़िया हूँ। मुंह बोली का मतलब क्या होता है, जो कोई भी बात कह दे, ठीक है, जिसकी बात पर कोई बुरा ना माने, ठीक है, लोगों ने तो बहुत मुंह बोली है भाई, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, तो वो सोच रही है कि मैं जो है कहीं भी जाकर किसी भी पेड़ की डगार पर बैठकर आराम से चहचहा सकती हूँ, गा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, दिल खोल कर। ठीक है, तो वह चिड़िया जो, वह छोटी
मुंह बोली चिड़िया नीले पंख वाली मैं मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब यहाँ पर क्या है? विजन का मतलब होता है यहाँ पर, विजन का मतलब वैसे होता था कहाँ से, लेकिन निशान का मतलब क्या? वन से। विजन का मतलब है वन। तो चिड़िया कह रही उसे किससे प्रेम है? पहले उसने क्या कहा था? पहले उसने कहा था मुझे अन्न से बहुत प्यार था, दूसरी बार उसने क्या कहा? मुझे विजन से प्यार है, मतलब मुझे विजन से, मुझे वन से प्रेम है। और सही बात है, परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको किससे प्रेम होता है? उन्हें जंगल से प्रेम होता है। कभी भी कह रहा है यहाँ पर ये जो वन है ये प्रकृति की बात है, कभी इसके माध्यम से ये कह रहा है कि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं तीसरे पैरा की तरफ। वह चिड़िया चोंच मार चली नदी का दिल टटोल, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्मीली चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आगे देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार चढ़ी नदी का दिल टटोल, चढ़ी नदी का मतलब क्या है? चढ़ी नदी का मतलब यह है बच्चों, चढ़ी नदी का मतलब होता है जिस नदी में, जो बाढ़ वाली नदी है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, जो नदी उफन रही है, मतलब बारिश में आप देखते हैं क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, बहुत तेज नदी जब बहती है बहुत सारा पानी होता है, तो इसको हम बोलते हैं बाढ़ वाली नदी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल जल का मोती ले जाती है, एकदम सीधी सी बात, ठीक है, जल को यहाँ पर मोती के रूप में, वह चिड़िया उल्टे हुए ऐसे आती है और बहुत तेज से पानी बह रहा है, मगर वो आती है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वो पहले चढ़ी हुई नदी को देखती है, दिल मतलब उसके बीच में देखती है, जैसे नदी है उसके बीच वाले भाग में उड़ते हुए जाएगी, किनारे से पानी नहीं पिएगी, वो आएगी ऊपर से उड़ते हुए उस नदी के बीच में जाएगी और वहां पर जाकर के फिर वो पानी को अपनी चोंच में भरेगी। जल का मोती, जल उसके लिए मोती के समान है, उसको मोती को लेगी, जल का मोती ले जाती है, उड़ जाती है। आप देख रहे होंगे अक्सर, ऐसा नहीं है, बारिश का जब मौसम होता है और कभी आप कहीं अगर आपको देख रहे हो मिले कोई नदी बाढ़ वाली, तो आप देखेंगे जहाँ नदी चल रही है उसके ऊपर चिड़िया बहुत उड़ती है, वो नदी की धार से एक तरह से फोड़ लगाती है, उसके साथ बहती है, फिर वापस आती है, फिर बहती है, मतलब एक तरह से फोड़ लगाती है, वापस आती है, फिर उड़ती हुई जाती है और बार बार पानी का से पीकर उड़ जाती है। तो इसी बात को इसमें कहा गया, ठीक है। वह छोटी गर्मीली चिड़िया, अब यहां पर एक शब्द आया है गर्मीली, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल जल का मोती ले जाती है, वो यहां ऐसे वैसे जगह से पानी नहीं पीती है, ठीक है, चढ़ी नदी का, यहां पर चढ़ी नदी जो है मुसीबत की बात नहीं है, तो बताऊंगा इसके बारे में। गर्मीली शब्द का मतलब होता है बच्चों, देखो गर्मीली शब्द जो है इसका मतलब स्वाभिमानी, ठीक है। तो ये चिड़िया कैसी बड़ी स्वाभिमानी है, इसको अपने आप पर गर्व है, मैं ऐसा कर सकता हूं, साहसी है, गर्मीली का मतलब यहां पर आपने साहसी भी समझे, चिड़िया कैसी है, साहसी चिड़िया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्मीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार, ठीक है। वो क्या कहती है चिड़िया कि मुझे नदी से बहुत प्रेम है, और मैं कैसी चिड़िया हूँ, मैं बड़ी स्वाभिमानी चिड़िया हूँ, मैं बड़ी साहसी चिड़िया हूँ, चाहे नदी में कितना ही पानी क्यों ना हो, कितनी बाढ़ जैसी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊँगी नदी के बीच से जल का मोती, जल को ऐसे मोती जैसे अपनी चोंच भरूंगी और उड़ जाऊंगी, ठीक है। तो मैं जो आपको भरी नदी की बात बता रहा था, यहाँ पर जो ये चढ़ी नदी है, चढ़ी नदी का मतलब ये भी है बच्चों, कभी ये भी बताना चाह रहे हैं आपके स्वभाव के बारे में कि जो मेरे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं उस मुसीबत की जड़ को पहचानता हूँ, उस समस्या की जड़ को पहचानता हूँ, फिर मैं उसको सुलझा लेता हूँ, ये भी इसका एक कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, मुझे अपने ऊपर अभिमान है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझमें साहस है वो काम करने का, बात समझ में आई आपको। तो ये इस कविता का अर्थ है, हम इस कविता को एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।